हेलो गाइस, मैं राजवीर आपके लिए और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ लिंक्डइन से रिलेटेड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में कि आप लिंक्डइन पे वेबसाइट ट्रैफिक ऐड कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड अपने वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन कैसे कर सकते हो। एंड आपको पता है जैसे लिंक्डइन जो है वो B2B प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पर हमने अपने मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड ऐड क्रिएट करने वाले हैं एंड उस पर हम ट्रैफिक ड्राइव करने वाले हैं। तो आप भी अगर चाहते हो कि आप अपने बिजनेस पर ट्रैफिक ड्राइव कर सको विथ लिंक्डइन ऐड, तो आप कर सकते हो। तो इस ऐड को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इस ऐड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कोस्टिंग को भी कैसे कम कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि लिंक्डइन ऐड के लिए जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं एंड बहुत सारी एजेंसीज आपसे ये कहती हैं कि अगर आप लिंक्डइन ऐड करते हो तो आपको जो कोस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये रियलिटी है कि आती है, बट आप उसे कम कर सकते हो। तो मैं ऐसी कुछ टिप्स आपको इसे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अपना जो लिंक्डइन ऐड प्लेटफॉर्म है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट। क्रिएट वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके सामने विजिबल हो जाता है, फर्स्ट कैंपेन एंड दूसरा कैंपेन ग्रुप। तो सिंपल सा आप कैंपेन ग्रुप यहाँ पे ना बना के आप यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करो, ठीक है, क्योंकि आप सिंगल बना रहे हो। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल बनाते तो हम कैंपेन ग्रुप कर सकते थे। देन यहाँ पे आपको अपना नेम सेट करना है कि जैसे जो भी ऐड बना रहे हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे नेम रखना है, ताकि आपको पता रहे कि आपका जो ऐड है वो किस पर्पज से बनाया है आपने। देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है एडवांस को आपको नहीं रखना, क्योंकि अगर आप रखते हो तो यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं, मतलब मिलते ही नहीं है, तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। बट वहीं पे अगर आप एडवांस टारगेटिंग करते हो तो आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप अपने ऐड को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, अपने ऑडियंस को, अपने एज क्राइटेरिया को एंड अपने इंटरेस्ट बेस को। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वेबसाइट विजिट्स होने वाला है या फिर हम ट्रैफिक कर सकते हैं, तो दोनों सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में डिफरेंट है, ओके। देन यहाँ पे नीचे आने के बाद आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलता है ग्रुप बजट एंड शेड्यूल का। तो यहाँ पे हम कोई शेड्यूल नहीं कर रहे, बट अगर आप चाहते हो कि आप शेड्यूल करना है तो शेड्यूल भी कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन विजिबल होते हैं, फर्स्ट रन, दूसरा एंड सेट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट भी रख सकते हो। एंड वहीं पर अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में आप अपने बजट के साथ स्टार्ट और एंडिंग डेट को डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप एंड डेट रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप बजट के अकॉर्डिंग अपने डेट को या अपने अपने दिन को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे इसे कंटिन्यूसली रखने वाला हूँ, बिकॉज मैं जो ऐड चाहता हूँ वो कंटिन्यूसली रन हो, ओके। देन यहाँ पे मुझे क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ऑडियंस, जहाँ पे आप अपने ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो कि आप किस टाइप के ऑडियंस में यहाँ पे इंटरेस्टेड हो। देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं कैंपेन डिटेल्स में। देन यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे नेम जो है और ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो हम इसे यही रहने देंगे एंड नीचे आ देंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, तीन ऑप्शंस, ऑडियंस, सेव ऑडियंस एंड ऑडियंस सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑडियंस में हम अपने ऑडियंस को न्यूली क्रिएट कर सकते हैं एंड सेव्ड ऑडियंस में हम जाके यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो अगर आपने कोई सेव ऑडियंस कर रखा है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिलहाल के लिए अभी मैंने यहाँ पे कोई सेव ऑडियंस नहीं कर रखा, तो यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं है। बट वहीं पर अगर हम ऑडियंसिस की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है लिंक्डइन पे कितने ऑडियंसेस है एंड किस टाइप्स के ऑडियंसेस यहाँ पे है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं एंड सी ऑल ऑडियंस करके भी हम बाकी ऑडियंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन यहीं पे अगर हम यहाँ पे आए नीचे, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है लोकेशन। लोकेशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो लोकेशन रखने वाला हूँ ऑल ओवर इंडिया रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जितने भी लोग हैं जो मेरे वेबसाइट पर आए वो इंडिया से आए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब सिर्फ स्पेसिफिक एक स्टेट से आए, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आप किसी स्पेसिफिक स्टेट पे अगर ऐड रन करना चाहते हो लिंक्डइन का, तो आप कर सकते हो। देन वहीं पे अगर आप चाहो तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो अपने लोकेशन को, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो ऐड है वो दिल्ली में विजिबल ना हो बट ऑल ओवर इंडिया में हो, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो दिल्ली को, ताकि आपका जो ऐड है वो दिल्ली में ना दिखे, बाकी जगह विजिबल हो।
यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है योर ऑडियंस हैज़ देयर प्रोफाइल लैंग्वेज सेट करना, कि हम अपने ऑडियंस का लैंग्वेज सेट कर सकते हैं कि हम, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हम यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो मल्टीपल कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम, मैं इंग्लिश ही रखता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। देन यहाँ पे नीचे आते हैं तो हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रीसेट एंड स्टार्ट ओवर कर सकते हैं एंड अपने डिटेल टारगेटिंग को दोबारा से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड यहाँ पे आके दोबारा से मैं आपके सेट करता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे सेट करता हूँ इंडिया, ठीक है, परमानेंट लोकेशन, एंड यहाँ पे मैं इंडिया रख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं तो दो ऑप्शन आप सेट कर सकते हो, लाइक अगर परमानेंट लोकेशन रख सकते हो या रिसेंट और परमानेंट लोकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लोकेशन जो है परमानेंट रखता हूँ ताकि जब भी मैं ऐड बनाऊँ वो ऑटो सिलेक्टेड आ जाए जैसे अभी है था, ठीक है। देन इसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद एक्सक्लूड अगर आपको करना है तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे करता हूँ फिलहाल के लिए कट एंड क्लोज, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे हम अपने ऑडियंस को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नैरो ऑडियंस आ रहा है तो नैरो ऑडियंस पे हम क्लिक करते हैं। नैरो ऑडियंस पे जैसे आप क्लिक करोगे इसे कट कर दो एंड यहाँ पे आप अपने ऑडियंस को सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं मार्केटिंग से रिलेटेड करने वाला हूँ तो मैं मार्केटिंग सर्च कर लेता हूँ। एंड मार्केटिंग जैसे ही मैंने सर्च किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केटिंग स्किल्स आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर आ रहा है, एग्जीक्यूटिव आ रहा है, ऑनलाइन स्ट्रेटजी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मार्केटिंग सर्विसेज से कुछ है, यस मार्केटिंग सर्विसेज से भी यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे ऊपर जाते हैं सर्विसेज, मार्केटिंग स्किल्स, ठीक है, इन सबको देख लेता हूँ। मार्केट रिसर्च मेरे लिए बेटर है, मैं इन्हें चाहता हूँ कि ये ऑडियंस आए मेरे पास। एडवर्टाइजिंग हो गया, बी टू बी के क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ब्रांड मैनेजमेंट के लिए, लीड जनरेशन के लिए, तो इस टाइप्स के ऑडियंस मेरे यहाँ पे हो सकते हैं। मैं दोबारा से होम वाले बटन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ मैं ऑडियंसेस पे। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑडियंसेस में आपके सामने कुछ अलग ही ऑप्शन होता है कि लिस्ट अपलोड कर सकते हो, लुक अलाइक ऑडियंस कर सकते हो, प्रिडिक्टिव कर सकते हो, रिटारगेटिंग कर सकते हो, थर्ड पार्टी एंड अदर। तो इसके ऊपर भी मैं स्पेसिफिक वीडियोस बना दूंगा कि ये सारे जो ऑडियंस है आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे हम जो सेट करने वाले ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम जाएंगे डेमोग्राफिक्स में पहले तो, एंड यहाँ पे जाएंगे हम मेंबर एंड जेंडर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं एंड इसे हम रखने वाले मेल और फीमेल्स दोनों को रखने वाले, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं डेमोग्राफिक्स पे एंड यहाँ पे आ जाते हैं मेंबर एज, कि एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है इसका। तो एज जो मैं रखने वाला हूँ ये मैं रखने वाला हूँ 18 से लेके 35 एंड 54 तक। ये जो एज क्राइटेरिया के लोग होंगे ये जो है इंटरेस्टेड हो सकते हैं मेरे सर्विसेज में एंड मेरी वेबसाइट पे क्लिक भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जॉब एक्सपीरियंस एजुकेशन है, तो फिलहाल मैं ऐसे एजुकेशन या फिर इस पर्पस को तो नहीं रखने वाला। इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स पे जाते हैं एंड यहाँ पे मेंबर इंटरेस्ट पे जाते हैं एंड यहाँ पे सर्विस इंटरेस्ट, बिकॉज हम मेरी सर्विसेज है यहाँ पे। तो मैं नीचे देखता हूँ, आई होप सो कि यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड तो जरूर हो, या मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मार्केटिंग सर्विसेज एंड रियल इस्टेट सर्विसेज भी हम देते हैं। तो जो भी आप सर्विसेज देते हो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे वेब डिज़ाइन सर्विसेज तो ये भी हम करते हैं, देन वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, यस। सो ये सारी सर्विसेज मैंने यहाँ पे रख ली है एंड ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद मैं इसे करूँगा वापस यहीं पे आ जाऊँगा एंड होम बटन पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्ट कर लेनी है, तक और आप यहाँ पे जो ऑडियंस है वो अगर आप डीपली सर्च करके अगर आप यहाँ पे ऑडियंस सेट करते हो तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम आएगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो एंड अगर आपको कहीं पे भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। देन यहाँ पे हम कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे आने वाले हैं इसे एनेबल ही रहने देंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल इमेज के साथ आप इसे ऐड को रन कर सकते हो, क्राउजल पे रन कर सकते हो, वीडियो, टेक्स्ट, स्पॉटलाइट, मैसेज, कन्वर्सेशन, इवेंट एंड डॉक्यूमेंट्स। सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिंगल इमेजेस के साथ यहाँ पे मूव ऑन करूंगा एंड मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड अकाउंट लेवल पार्टनर्स, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं लगा रहा, अगर आप चाहो तो ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ पे आ रही है, किस पेज पे आ रही है, ताकि आपके पास एक्यूरेट डाटा हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। देन यहाँ पे प्लेसमेंट देख लेते हैं, तो प्लेसमेंट जैसे देख सकते हो लिंक्डइन ऑटो सिलेक्टेड है एंड लिंक्डइन ऑडियंस एंड नेटवर्क, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क को भी रहने देता हूँ एंड सो ब्रांड सेफ्टी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो एंड अपलोड पब्लिशर लिस्ट, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसका यूज आप कर सकते हो। तो इन सब के ऊपर मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, प्लेसमेंट क्या है ये सारी चीजें, ठीक है।
नीचे आ जाते हैं बजट को, तो बजट हम यहाँ पे रख लेते हैं 1000 रुपीज़, बिकॉज काफ़ी है मेरे लिए डेली बजट। ओके देन यहाँ पे 1000 रख लेते हैं। एंड यहाँ पे आ जाते हैं रनिंग कैंपेन कंटिन्यूसली हमने रखा था स्टार्टिंग में। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं बिडिंग्स के, मैक्सिमाइज डिलीवरी एंड कॉस्ट पर कैप। तो यहाँ पे मैं जो आपको सिलेक्ट करूँगा, आप मैक्सिमम डिलीवरी पे अभी आप रखें स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे जो चाहिए लैंडिंग पेज क्लिक्स चाहिए। ठीक है, आप इसे चाहते हो चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे देख सकते हो इंप्रेशन एंड लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज क्लिक्स जो है वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है। एंड यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑप्शन है। फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑप्शन, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, सेव करके नेक्स्ट। ओके जैसे मैं ये क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो थोड़ी देर वेट करोगे, एंड इसके बाद आप देख सकते हो क्रिएट ए न्यू ऐड। ठीक है, मतलब अब हम यहाँ पे ऐड क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसे मैं क्रिएट ए न्यू ऐड पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे आ रहा है नेम दिस ऐड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, आपका जो भी हेडलाइन हो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आएगा वो हेडलाइन ही आएगा, एंड यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट आ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपनी, ठीक है, हेडलाइन को यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके एंड यहाँ पे आप डेस्टिनेशन यूआरएल रख सकते हो। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे 30 वर्ड्स आ रहा है, तो नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, मैंने रख दिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 600 कैरेक्टर का आ रहा है, तो आप इसे सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिलहाल के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। एंड यहाँ पे आप अपना यूआरएल डाल सकते हो, तो मैं यूआरएल डाल देता हूँ अभी के लिए। फिलहाल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, तो goraju.com। एंड यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे अपलोड और सिलेक्ट कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपलोड एंड सिलेक्ट कर लेता हूँ इमेजेस को, एंड यहाँ पे अपलोड। आप चाहो तो सर्टे स्टॉक से भी इमेजेस आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं डाउनलोड्स में, एंड डाउनलोड्स में हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं जो हमारे लिए वर्क करने वाली है। सो फिलहाल के लिए मेरे पास अभी तो कोई इमेजेस है नहीं, बट यहाँ पे हम जो ऐसा करते हैं इस इमेजेस को रख लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट, बट यहाँ पे जो इमेजेस है आप रख सकते हो आपके पास अगर बनी हुई इमेजेस है। ठीक है, तो मेरे पास तो अभी मैंने कोई इमेजेस क्रिएट नहीं किया, तो फिलहाल के लिए मैं अभी यही इमेजेस रख रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 5 इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। देन नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये मैं रहन दूंगा, एंड यहाँ पे ऑल टेक्स्ट मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, या फिर चाहूँ तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे सेम रिपीटेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरे टेक्स्ट में विजिबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे हेडलाइन अगर मैं चाहूँ तो हेडलाइन भी मैं यही रख सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रख सकता हूँ, जहाँ पे मैं सर्विसेज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सर्विसेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड सर्विसेज डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर वन यहाँ पे, जैसे कि गूगल ऐड। ठीक है, नंबर टू फेसबुक ऐड, मतलब जो भी आपकी सर्विसेज है आप यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक थर्ड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ SEO, एंड फोर्थ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ SMO। ओके, सो मैंने तो अभी इतने ही डाले हैं, और भी आप चाहो तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने कर दिया है। एंड यहाँ पे नीचे आता हूँ, एंड यहाँ पे आपको कॉल बटन रखना है, तो मैं यहाँ पे जो रखने वाला हूँ लर्न मोर रखने वाला हूँ। ठीक है, लर्न मोर ज़्यादा बेटर रहता है, कि जिससे सामने वाले को इंडिकेट होता है कि उसे करना क्या है एक्चुअल में। सो मैं इससे, आप देख सकते हो मैंने ये सारी चीज़ें कर दी है। इसके बाद मैं इसे करने वाला हूँ सेव ऐड पे क्लिक। जैसे आप सेव ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपका ऐड हो चुका है यहाँ पे रेडी, एंड इसके बाद करना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हो, इसके बाद आपका सब कुछ हो चुका है। आप एक बार इसे प्रीव्यू कर लो, एंड प्रीव्यू करने के बाद आप इसे यहाँ पे ऐड कार्ड करके, जैसे कि मेरा यहाँ पे जो अभी पेमेंट मेथड है वो मैंने ऐड नहीं किया, तो वो मैं जैसे ऐड करूँगा वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। सेव एंड एग्जिट करते ही मेरा जो ऐड है यहाँ पे बन चुका है। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरा ऐड यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने वेबसाइट के लिए वेबसाइट विजिट साइट्स बना सकते हो लिंक्डइन पे। और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है जिसका ध्यान रखना है आपको, जिसके थ्रू आपका जो वेबसाइट विजिट्स ऐड है, जिसमें आपका कोस्ट पर रिजल्ट आने वाला है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।